तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था, हम लोग ने हमारे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख लिया, 5 तक कंप्लीट करा था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बहुत मजा आने वाला दोस्तों, क्योंकि जिसने जिसने पैराबोला पढ़ा है इसको ये हाइपरबोला बहुत ईजी आने वाला है। तो जिसने जिसने अभी पैराबोला कंप्लीट नहीं किया हो, तो पिछले तीन वीडियो मतलब अभी के जो लास्ट वीडियो के पहले के जो तीन वीडियो जो बने थे दोस्तों, लेक्चर नंबर शायद 3, 4, 5, वो पैराबोला के ऊपर बेस्ड थे और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोग क्वेश्चन समझाए थे। जाके फटाफट से उस वीडियो को देख लेना और कंप्लीट करने के बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अदरवाइज आप लोग सोचेंगे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जिसको पैराबोला समझेगा उसको हाइपरबोला समझेगा, ये कंडीशन याद रखना। और बहुत सारे फॉर्मूले जो सिमिलर है अपने पैराबोला हाइपरबोला का, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोग को याद करने में कोई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_मंत्री पर जाके आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। आप लोग क्या करेंगे, आपके डाउट मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे, मैं वहां पर डाउट आपका कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड है चैप्टर नंबर 7 सर्कल एंड कॉनिक्स, लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक चल रहा है हमारा हाइपरबोला। अब सेम चीज है दोस्तों, अब बस आप लोग को फॉर्मूले मेरे को दिखा रहे हैं, तो फटाफट से आज आ जाओ। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था, सारे फॉर्मूला आप लोग को क्लियर है। इसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साबित होगा ये वाला, ये आप लोग याद रखना। कौन सा फॉर्मूला होगा वो है आप लोग का ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पर गौर करना, क्या है वो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रैक्टम है, उसका इस्तेमाल हम लोग आज करने वाले। तो इसको देख लो, आगे क्या करना मैं आप लोग को समझा दूंगा। हम लोग देखने टेंजेंट को समझेंगे आज। तो सबसे पहले आप लोग को टेंजेंट ऑफ पैराबोला याद होना चाहिए। तो टेंजेंट ऑफ पैराबोला को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √, √ के अंदर a² m² माइनस b² ध्यान दो यहां पर। लेकिन यहां पर जब अपन पैराबोला में आते थे तो वहां पर फॉर्मूला क्या था, a² m² प्लस b², फर्क इतना ही है एक साइन का, बस उतना ही है, ज्यादा फर्क नहीं दोनों फॉर्मूले में, ठीक है। ओके उसी तरीके से कंडीशन क्या, टेंजेंसी की कंडीशन होती है, वहां पर भी सेम ये जो वैल्यू है ना, ये अंडर रूट के अंदर ये a² m² माइनस b² सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए, इक्वल, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a² m² माइनस b² सी स्क्वायर। वहां पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में, उतना ही फर्क है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर टेंजेंट कोई सर्कल को, अगर कोई भी सर्कल हो, कोई भी कर्व हो, उसको टच करके जाए तो टेंजेंट होगा, और सिंगल पॉइंट पर टच करेगा तो वो पॉइंट का क्या आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा। और कोऑर्डिनेट को ऐसे निकालते हैं, a² m अपॉन में c कॉमा माइनस b² अपॉन में c, वहां पर था पैराबोला में, यहाँ पर प्लस था, इतना ही फर्क है। अब उसी तरीके से यहां पर आ जाओ, ये क्या हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द टर्म्स ऑफ हमारा पॉइंट्स। अगर कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे हम लोग को x1, y1 तो अपन इस्तेमाल करेंगे ये फॉर्मूला, और अगर हम लोग को स्लोप वगैरह का इस्तेमाल करना होगा तो अपन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अपन पैरामेट्रिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट के हिसाब से x इक्वल्स टू a sin थीटा होता है और y इक्वल्स टू b tan थीटा होता है। तो बस x1 की जगह पे a sec थीटा 1 पुट किया, और ये y1 की जगह पे क्या पुट कर दिया, b tan थीटा 1 पुट कर दिया। एक भी कैंसिल, एक कैंसिल, तो क्या बच गए, sec थीटा 1 अपॉन ax और tan थीटा 1 अपॉन b into y = 1। हमारा क्या गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ये कौन से, कोऑर्डिनेट फॉर्म है हमारे, कार्टेशियन फॉर्म, और ये हमारा स्लोप वाला फॉर्म है। तो तीन फॉर्म हम लोग को मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ और चीजें समझा देता हूं। यही इक्वेशन में अगर मैं हम पॉइंट्स पुट कर देता हूं, x1 y1 पुट कर देता हूं, तो मेरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ m, और m मेरा क्या हो जाएगा वहां पर पैरामीटर, मतलब m जो होगा मेरा मेन पैरामीटर हो जाएगा। मैंने वही किया, इक्वेशन में x1 y1 पुट कर दिया और उसको थोड़ा सॉल्व किया, और सॉल्व कैसे करना है तो मैंने ये वीडियो में पिछले वीडियो में आप लोग को समझाया पैराबोला में, सेम तरीके से इसमें हाइपरबोला में भी सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ऐसा इक्वेशन मिलता है, जहाँ पे हमारा मेन वेरिएबल कौन है दोस्तों, y है, सॉरी मेन वेरिएबल कौन है हमारा, m है। तो हम लोग को m के दो वैल्यूज मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 2x1 y1 अपॉन a की वैल्यू क्या है, ये तो माइनस माइनस प्लस, तो 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस a² ये हमारा आ गया दोस्तों, ये क्या आ गया, m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 डॉट m2 क्या होता है, c बाय c अपॉन a, तरीके से अपन फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर है, कोई भी फॉर्मूला में डाउट रहेगा तो आप लोग बिंदास मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बाकी आप लोग समझदार है, आप लोगों को मेरे हिसाब से फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट से फॉर्मूले को नोट कर लेना, फिर हम लोग आगे फटाफट से बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला क्या है मेरा, ये है, और पास हो रहा है इस पॉइंट से। तो सबसे पहले मैं पॉइंट को डिनोट कर देता हूं, क्या 2, √2 को डिनोट कर देता हूं x1, y1 के साथ, ठीक है। अब ये पैराबोला दिया हुआ तो 3x² - y² = 4, जरा 4 से डिवाइड कर दो तो 3x² / y² = 4 / 4 / 4 x² / 4 / 3 हो जाएगा, y² / 4 हो जाएगा = 1। कंपेयर करेंगे जब तो हम लोग को a² की वैल्यू मिलेगी 4/3 एंड b² की वैल्यू मिलेगी अपने को 4,
ठीक है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट। तो ए और बी तो मिल जाएगा, हम लोगों ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल दिया, हमें क्या निकालना है दोस्तों, ए की वैल्यू चाहिए। जैसे ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करना चाहते तो कर सकते, अदरवाइज आप लोग ए की वैल्यू फिलहाल मत निकाल तो भी चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कब दोस्तों, जब हम लोग को पॉइंट दिए रहेंगे, तो वो फॉर्म क्या है दोस्तों, एक्स इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था दोस्तों, यहाँ पर वन था, यही फॉर्मूला था। ओके बस आगे आपका आंसर, एक्स इंटू एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास, एक्स वन हमारे पास है टू अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, फोर अपॉन थ्री, पुट कर दो फोर अपॉन थ्री, माइनस वाई इंटू वाई वन, वाई वन कितना हमारे पास टू रूट टू, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है फोर, फोर पुट कर दो इक्वल टू वन। अब देखो क्या करेंगे, ये टू टू जा कैंसिल, थ्री ऊपर से रहेगा थ्री एक्स अपॉन में टू, ये टू टू जा कैंसिल, इधर पे क्या बच गया वन, यहाँ पर क्या बच गया रूट टू वाई अपॉन में टू इक्वल टू वन। पूरे इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री एक्स माइनस रूट टू वाई इक्वल टू टू, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। क्या किया आपने, बेस को सेम लेके टू को वहां पर भेज दिया, सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली मिल गया आप लोग को। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया रहेगा दोस्तों, क्लियर है, देख लो एक बार अच्छे तरीके से, आसान था, पॉइंट दिया होता पॉइंट फॉर्म वाला, हम लोग ने क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इस्तेमाल करो, हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सही है। ओके चलो बढ़ते हैं अपन सेकंड यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे, सेकंड वाला आप लोग ट्राई करना, सारे क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम तरीके से करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 एट द पॉइंट हुज इसेंट्रिसिटी इज पाई बाय 3। इसेंट्रिसिटी दिया हुआ, दैट मींस क्या दिया अपने को, इसेंट्रिक एंगल दिया हुआ, क्या ठीक से देखो, इसेंट्रिक एंगल दिया हुआ है, इसेंट्रिक एंगल मतलब क्या होता है दोस्तों, थीटा वन कितना दिया आपने को, पाई बाय थ्री दिया हुआ, मतलब हम लोग को हमारा टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा किस फॉर्म में दोस्तों, पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहले आप लोग गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हमारे बाकी सारी चीजों के साथ, वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू वन, कंपेयर जैसे किया मैंने तो मुझे ये समझ में आया कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों 144 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 25, और कंपेयर करो तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 12 एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, हमारे वैल्यूज मिल गए। अब बढ़ते हैं अपन आगे फटाफट से, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, देखना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे को पता है क्या दोस्तों, बस देखो देखो अभी जस्ट मैंने सिखाया था आप लोग को, रिप्लेस क्या करना, एक्स वन को ए सेक थीटा और वाई वन को अपने को रिप्लेस करना होता है ए टैन बी टैन थीटा के हिसाब से। देखो यहाँ पर मैंने रिप्लेस करके आप लोग को दिखाया हुआ है और किस तरीके से आया, तो एक्स वन यहाँ पे ए सेक थीटा वन और वाई वन यहाँ पे बी टैन थीटा वन, रिप्लेसमेंट सेक थीटा वन ए इंटू एक्स और उसके बाद टैन थीटा अपॉन बी इंटू वाई, इस तरीके से आपका इक्वेशन आता है। तो यहाँ पर लिखूंगा सेक थीटा वन अपॉन ए इंटू एक्स माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा टैन थीटा वन अपॉन बी इंटू वाई इक्वल टू वन, बस वैल्यू पुट करना पाई बाय थ्री, सेक पाई बाय थ्री अपॉन में ए, ए की वैल्यू कितनी है 12 ठीक है, माइनस टेन पाई बाय थ्री, यहाँ पे एक्स लिखना भूलना मत, टेन पाई बाय थ्री अपन में बी की वैल्यू कितनी दोस्तों 5, इधर पे वाई मेरा वैसे, अब पाई बाय थ्री यानी 60, सेक 60 कॉस 60, कॉस 60 वन अपॉन टू, सेक 60 टू, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन 12 एक्स। अब टेन पाई बाय थ्री, टेन पाई बाय थ्री यानी कितना 60, टेन 60 रूट थ्री अपॉन 5 ठीक है, इधर पे कितना क्या 6, तो पूरे इक्वेशन को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर सकता ताकि मेरे को बेस से मिल जाए, तो मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 30 पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे 30 से, ध्यान देना मैं 30 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे इक्वेशन को, ध्यान देना ये मैं आप लोग को बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई बहुत ईजी होता है, 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6√3y हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 30, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अवर क्या दोस्तों, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, उस पर कोई दिक्कत भी नहीं है ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है, देख लो एक बार। ओके तो फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई करना आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, मैं फिफ्थ वाले पढ़ता हूँ फटाफट से इसको भी देखता हूँ। अब टेन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 में से पास होने वाला टेंजेंट फाइंड आउट करना है, और इसको क्या हो टेंजेंट हो, और कहां से पास हो रहा हूं, पास हो रहा हूं एल पॉइंट, एल हमारा क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट होता है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हम लोग को पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। अब लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट अपने को सबसे पहले पता चल, देखो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, 9x² - 16y² = 144 डिवाइड करूंगा 144 तो x² / 16 वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ये समझ में आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी इंप्लाई ये करता है ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4,
बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंप्लाई ये करता है b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। इतने तरीके से अपने a और b की वैल्यू निकाल ली, a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले। अब अपन निकालेंगे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट का क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं लेकिन अपने को पॉजिटिव वाला लेना क्योंकि बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलो फटाफट से कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखते हैं। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है दोस्तों याद करो, चलो फटाफट से याद करो, ये होता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन में ए। चेक कर लो फटाफट से सही लिखा है क्या मैंने, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन में ए, सही है एकदम सही है। ओके सबसे पहला काम क्या होगा अपने को ई को निकालना है, तो ई की वैल्यू निकालता हूं और फिर पुट करके आगे बढ़ता हूं। ई क्या होता है, ई होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है स्टैंड फॉर्म में दिया हुआ इसलिए ये फॉर्मूला आएगा। अदरवाइज अगर मान लो कि वाई स्क्वायर पहले होता एक्स स्क्वायर बाद में होता बीच में माइनस होता तो यहाँ पर नीचे में बी आता, यहाँ पर गलती से मैंने ए स्क्वायर लिखा हुआ सिर्फ ए आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 प्लस 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 16 प्लस 9 कितना तो 25 अपॉन 4 आ जाएगा अपना ई का वैल्यू, रूट 25 अपॉन 4 यानी कि 5/4 ये आ गया ई आ गया। अब ई मिल गया तो अपने क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए निकाल लेते तो ए टाइम्स ई क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 5/4 4 कैंसिल 5 तो ए मिल गया। दूसरा क्या निकालना अपने को, बी स्क्वायर अपॉन ए निकाल बी स्क्वायर अपॉन ए निकालना है। तो बी स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, ठीक है तो कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। ये भी मिल गया, बस कॉर्डिनेट लिखना है और अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है फटाफट से मैं कॉर्डिनेट लिख देता हूँ। देयरफॉर कॉर्डिनेट क्या आ गए, कॉर्डिनेट्स हमें मिल गए बहुत इजीली मिल गया, क्या मिल गया ए अप ए ही क्या है, ए ही हमारे पास है 5, ई हमारे पास क्या है दोस्तों बी स्क्वायर अपॉन ए क्या हमारे पास 9/4, चेक कर लो सही आएगा, चेक कर लो दोस्तों एकदम सही आ रहा है क्या आप लोगों का, मिला लो आंसर को फटाफट से, कॉर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मिल गए 5/9/4 सही जा रहे हैं। अब इस पॉइंट में से पास होने वाला टेंजेंट, और टेंजेंट किसको इसको, तो वो अपने को निकालना है। इसको कंपेयर करता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ x1, y1 मान लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है सिंपल, पॉइंट दिया हुआ है तो देखो x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस y इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दो आगे आंसर दोस्तों कुछ दिक्कत ही नहीं है। x इंटू 5 ए स्क्वायर की वैल्यू 16, y इंटू 9/4 बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोस्तों 4, पुट कर दो यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9 है, ठीक है तो 9 डाल दो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 इक्वल टू 1, बस सॉल्व करना है दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया 5/16 इंटू x, यहाँ पर 9 कैंसिल माइनस y/4 इक्वल टू 1, पूरे इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5x बच जाएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4y और इसको मल्टीप्लाई किया तो 16, इस तरीके से हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया क्या 5x-4y इक्वल टू 16, और बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। So that the line 3x-4y+10=0 is tangent to the hyperbola x²-4y=20, also find the point of contact. Simple है दोस्तों, सबसे पहले गिवन इक्वेशन देखो 3x-4y+10=0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ, लेके जाते कैसे y=mx+c के फॉर्मेट में 3x+10=4y, 4 से डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को 3/4x+10/4=y, सीधा करके लिख दो y=3/4x, 10/4 कितना हो जाएगा दोस्तों 5/2 हो जाएगा, ये हो गया मेरा y=mx+c के फॉर्मेट में। जब मैं कंपेयर करूंगा y=mx+c के साथ तो मुझे m की वैल्यू मिलेगी 3/4 और दोस्तों c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, c मुझे मिल जाएगा, c की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक करो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है c2, देखो यहां पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टेंजेंसी जो भी है वो होता है c²=a²m²-b², तो इसमें से LHS है, जो LHS क्या है c² है, c की वैल्यू पुट करो कितने दोस्तों 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4, ये मिल गया मुझे LHS। अब जैसे LHS की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी, c² की वैल्यू निकाली, वैसे अपन किसकी निकालेंगे दोस्तों a²-b², इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर a²m²-b² RHS, तो RHS की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल सही तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर दो a² a की वैल्यू कितनी है हमारे पास a² कंपेयर ही नहीं किया अपने हमारे इक्वेशन को, कंपेयर कर लेते फटाफट से, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये दिया आपने को x²-4y²=20, डिवाइड करेंगे 20 से x²/20-4y², तो ये y² अपॉन में 5 हो जाएगा इक्वल टू 1,
ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5, पुट कर दो यहाँ पे, पुट करो फटाफट से, ए स्क्वायर की वैल्यू 20 है तो 20, अब m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4, तो सही जा रहे हैं अपन, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बी यहाँ पर कितना है बी स्क्वायर 5, चेक कर लो सही पुट किया, ए स्क्वायर की 20, m की वैल्यू m स्क्वायर है तो m स्क्वायर डालना पड़ेगा, ओके आगे m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4, सही डाल दिया, अब सॉल्व करना है, ओके 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 9/16 माइनस 5, 4 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 5 जा 45, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 20/4 कितना आ गया 25/4, ये आ गया LHS RHS इक्वल, जब LHS RHS इक्वल है therefore LHS इक्वल टू RHS, तो गिवन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन दोस्तों, ये क्या है x square, सॉरी कौन सा इक्वेशन 3x - 4y + 10 = 0 इज टेंजेंट टू द गिवन हाइपरबोला। अब टेंजेंट है तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालने आना चाहिए, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो मैंने आप लोगों को बताया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, माइनस में ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा यहां पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी विद नेगेटिव साइन, चेक कर लो सही लिखा है कि अपन ने उसको मिला लेते हैं, अपन ने मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मे आप लोग को दिए हुए, चेक कर लेते हैं यहाँ पर, देखो कहा गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रहा यहाँ पर, जरा गौर करो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ए स्क्वायर एम अपॉन सी विद नेगेटिव साइन बी स्क्वायर अपॉन सी विद नेगेटिव साइन, बस फॉर्मुले में पुट कर दो आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, फॉर्मुले में पुट कर दो आंसर मिल जाएगा बहुत इजीली, तो डाल दो यहाँ पर ए स्क्वायर एम तो माइनस वैसे रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20, एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3/2 है क्या, एक एक 3/4 है तो 3/4 डाल दो यहाँ पर, तो 3/4 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों वो हमारे पास 5/2 है तो उसको डाल दो 5/2 ब्रैकेट क्लोज सॉरी कॉमा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दोस्तों 5 है हमारे पास, बी स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर 5 है और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2 तो यहाँ पर कितना 5/5 कैंसिल 2 ऊपर चला गया 5/4 कैंसिल तो कितना बच गया यहाँ पर -3 और ये 2 ऊपर चला गया तो 2 कॉमा माइनस देखो यहाँ पर ये 2 ऊपर चला गया यहाँ पर ये 2 ऊपर चला गया तो कितना गया -6, -2 ये क्या आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, चेक करो दोस्तों सही आंसर है क्या -6, -2 एकदम सही आंसर है एकदम सही है चलो ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया बहुत सिंपल क्वेश्चन इसे पैराबोला में क्या वैसे हाइपरबोला में करना बस फॉर्मुला वेरी कर जाता है आगे बढ़ते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्या टेंजेंट है तो सबसे पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 3x इधर पे आएगा तो -k = 4y 4 से डिवाइड कर दो 3x - k/4 = 1 तो y = 3x 3/4x -k/4 जब कंपेयर करूंगा y = mx + c के साथ तो m की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को m की वैल्यू मिल गई 3/4 और c की वैल्यू कितनी मिल गई -k/4 ये वैल्यूज आप लोग को मिल गए अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि टेंजेंट है हमारे गिवन पैराबोला पैराबोला क्या दिया हम लोग को पैराबोला आप लोग को दिया हुआ है ठीक है पैराबोला एक बार इसको चेंज कर ले तो जरा सा हाँ पैराबोला आपने को दिया हुआ है पैराबोला क्या दिया x² / 5 - 4y² / 5 = 1 इसको जरा मैं कंपेयर करूंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 5 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 5/4 ठीक है बस अपने को सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए अब पहले से बोलते कि टेंजेंट है तो टेंजेंट का कंडीशन क्या था c² = a² m² - b² अब c की वैल्यू कितनी है -k/4 तो -k/4 होल स्क्वायर जब स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आप लोगों को पता ही है ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 एम स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो m की वैल्यू 3/4 उसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे जाएंगे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5/4 चलो सही जा रहे हैं अपन ओके 5/4 दिया ना कि स्क्वायर है 5/4 है ठीक है अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर ये वैसे ही रहेगा इधर आ जाएगा 16 इसका स्क्वायर लेंगे दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर दिया तो इसको स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 4 16 हो गया और 9 5 45 माइनस देखो यहाँ पर 5/4 है तो इसको वैसे रखता हूँ बेस सेम करता हूँ 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेस सेम है बेस को एक बार लिख दो यहाँ पर लिख दो 16 45 - 20 k² / 16 ये 16 ये 16 कैंसिल k² = 25 तो स्क्वायर रूट लेंगे तो k की दो वैल्यूज मिलेंगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी k की वैल्यू एक तो प्लस में 5 और माइनस में 5 तो k की वैल्यू +-5 एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी मिल गई तो ऐसा सेम क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किया पैराबोला में एक्जैक्टली सेम वही हाइपरबोला में भी कर दिया तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया बड़े आगे वाले क्वेश्चन भी चलो इसको भी देख लेते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो क्या टू द हाइपरबोला मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट
जब मैंने आप लोग को पैराबोला पढ़ा तो वहां पर भी सेम कंडीशन मिला था, और आपको मैंने बताया था कि जब भी इक्वल इंटरसेप्ट मिलेगा तो वहां पर एक चीज नोट करके रख लो, मैंने सॉल्व करके भी बताया था और डायरेक्टली भी बताया था, वहां पर नोट करके रखना दोस्तों आप लोग, क्या वहां पर स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, -1। कोई भी लाइन अगर एक्स और वाई एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मान लेते यहां पर भी मीट कर रहा है 0.3 पर और यहां पर भी मिल रहा है 0.3 पर, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, इधर बनेगा 0.3 और यहां मिलेगा 3.0। जब ऐसा इक्वल इंटरसेप्ट बनाते 3 और 3, तब हमारा स्लोप जो होता है वो होता है -1। ये याद रखना आप लोग को, क्या होता है स्लोप की वैल्यू क्या कितनी होती है, -1। ये दिमाग में डालो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को हमेशा काम आएगी। इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तभी भी स्लोप की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1। इसको नोट करके रख लेना दोस्तों आप लोग को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एम की वैल्यू कितनी दे दी हुई, -1 दे दी हुई, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बोल दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, x² / 25 - y² / 9 = 1। इसको अगर कंपेयर करेंगे तो a² की वैल्यू 25 एंड b² की वैल्यू कितनी होगी, 9। इंप्लाई ये करता है a की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। सिंपल, ओके, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, अपन निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जब भी स्लोप दिया होगा, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, स्लोप दिया होगा तो स्लोप वाला फॉर्म इस्तेमाल करना, क्या फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो आप लोगों को पता है y = mx + √a² m² - b² y = m, कितना, -1 × x + √a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, तो -1 का स्क्वायर। b² b की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर। सही जा रहे अपन, अब सॉल्व कर लो आगे आपका आंसर, ये कितना होगा, -x + √-1 का स्क्वायर माइनस इधर पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 16। मैं x को यहाँ पे खींचता हूँ, x + y = ±, ये कितना आ गया रूट के अंदर 16। तो x + y = ±4 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट अपने को मिलेगा, एक प्लस वाला 4 और दूसरा कौन सा मिलेगा, -4। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया, और क्वेश्चन नंबर 9 आने के बाद अपने को क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ना है दोस्तों। वही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले 9 देख लो, बहुत इजी था कुछ। इक्वल इंटरसेप्ट में फंडा क्या होता है, स्लोप की वैल्यू -1 होती है। अगर ये नहीं समझ में -1 कैसा, तो ये से याद रखो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पता आप लोग को, तो वो याद रखने का, x / a + y / b = क्या होता है, 1। बट a और b दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैं दोनों को रिप्लेस कर देता हूं, x / a + y / a = 1। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो देखो बेस से मैं x + y = a हो जाएगा, और इसको मैं लेके जाऊंगा y = mx + c, तो -x + a, तो ये फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। फॉर्मेट क्या बन गया, अब यहां पर देखो अगर कंपेयर करूंगा y = mx + c के साथ, तो m की वैल्यू कितनी हो रही है, -1। इस तरीके से m की वैल्यू यहां पर -1 आती है, आप लोग बता सकते हैं। तो ये मैंने बताया आप लोगों को डायरेक्टली, लेकिन आप लोग डायरेक्टली नोट करके भी लिख सकते हैं कि m = -1 होता है कब, जब डबल इंटरसेप्ट, जब क्या होगा हम लोग का दोनों इंटरसेप्ट क्या होगा, इक्वल होगा। यहां तक क्लियर हो गया, चलो ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला 5x² - 4y² = 20 व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन। हम लोग को इसका क्या बनाना है, टेंजेंट फाइंड आउट करना है जो इस लाइन को क्या हो, पैरेलल। पहली बात तो कभी भी कोई भी लाइन किसी लाइन को पैरेलल होती है, दैट मीन दोनों लाइन का स्लोप सेम होता है। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ 3x + 2y = + 12 = 0। इसको अपन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म y = mx + c के फॉर्म में लेके जाते हैं, -3x + 12 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो -12, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो -3/2x - 12/2, यानी y = -3/2x - 6, ये हमारा आ गया y = mx + c। तो इसको कंपेयर कर दो, y = mx + c से कंपेयर कर दो, तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3/2, एंड c की वैल्यू कितनी मिलेगी, c की वैल्यू -6। जरूरी है अपने को -3/2। स्लोप मिल गया, चलो बस स्लोप निकालना था। अब सिंस द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे मत लिखो, एक काम करो ऐसे लिखो, सिंस टेंजेंट टू द हाइपरबोला is parallel to given line, therefore slopes are equal, ठीक है। therefore slope of tangent कितना हो जाएगा, equal to m हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, -3/2। parallel line का slope equal होता है, perpendicular line का slope का relation होता है -1, m1 × m2 = -1। ये मिल गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे रिक्वायर्ड, हमारे पैरा जो हाइपरबोला दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 5 4y² = 20 डिवाइड कर दो तो x² / 4 मिलेगा,
इधर मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू 1, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल गई, 5 मिल गई। हम लोग को पता है y is equals to, हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है y is equals to mx प्लस माइनस, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं, जब आपने को स्लोप दिया था तब की बात है, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। y वैसे रखूंगा मैं, m की वैल्यू कितनी माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 पुट कर देंगे। x मेरा वैसे प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पर लिखा अपन ने 4 इंटू एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर नहीं सिर्फ 5 आएगा, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे सारी वैल्यूज लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर कितना था 9, 2 का स्क्वायर कितना था 4, 4 कैंसिल, इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये जैसे यहाँ पर आएगा तो 3 अपॉन 2x प्लस में प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 9 बाय 4 माइनस 5, 4 कैंसिल, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना था 2, तो 3 अपॉन 2x प्लस y प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस 2y प्लस माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस तरीके से हमने क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, जो हमारा क्या है, हमारे गिवन हाइपरबोला वो क्या है, टेंजेंट है। इस तरीके से बहुत इजीली आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे। आप लोगों को बस आप लोगों को पैराबोला आ गया तो हाइपरबोला आ जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। तो पैराबोला के वीडियोस पहले देखो फिर हाइपरबोला पे आना, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए दोस्तों। बड़े ही आसान क्वेश्चन थे, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे। आप लोग को सारे कंडीशन मैंने नोट एज ए नोट फॉर्म में पहले लिखवा कर, सारे नोट्स को आप लोग को नोट कर लेना है, एग्जाम में जाते वक्त आप लोग को सारे पेजेस को रिफर करके जाना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गए रहेंगे, होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए। समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब कर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।